हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्लांट्स के शौकीन। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आज का मेरा टॉपिक जो है वो जेड प्लांट है। तो मैं कुछ चीज़ें जो है वो जेड प्लांट के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देती हूँ। तो पहला जो है, मैं जेड के सॉइल मिक्स के बारे में बात करती हूँ। तो सॉइल मिक्स इसका कैसा होना चाहिए, कैसी मिट्टी जो है वो इसके लिए सूटेबल होती है। तो मिट्टी जो है ये इसके लिए बहुत सिंपल होती है। गार्डन सॉइल में थोड़ी सी, अगर आप परसेंटेज अगर पूछें तो 50% गार्डन सॉइल में, 40% आप सैंड मिला दीजिए। उसमें थोड़ी सी अगर बजरी अगर होगी या छोटे छोटे पत्थर होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वाटर ड्रेनेज के लिए सही रहता है। पानी, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो और बाकी 10% जो है वो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की, पानी इसका कैसा होना चाहिए। पानी जो है आपको इसमें ज़्यादा नहीं देना, ज़्यादा पानी देने से जो है आपका पौधा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है। तो कोशिश करिए कि गर्मी में भी इसको 2-3 दिन में ही एक बार पानी दीजिए, जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। अगर हम बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो ये जो है बहुत कम फर्टिलाइज़र में रहने वाला, ग्रो करने वाला पौधा है। साल में अगर आप इसे 2 बार भी फर्टिलाइज़ कर देंगे वो इसके लिए काफ़ी है। और फर्टिलाइज़र क्या देना है आपको, या तो काउडंग कंपोस्ट दे दीजिए या इसे वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। एक गर्मी में आप इसे वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, या सर्दी जब ख़त्म होती है फेब एंड में आप इसको वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर बात हम करें इसके सनलाइट की, तो सनलाइट इसकी कैसी होनी चाहिए। ये जो है सकुलेंट, एक ऐसा सकुलेंट है जो कि प्रॉपर सनलाइट में भी रह लेता है, और अगर छनकर इसे धूप मिले तो उसमें भी, यानी शेडी एरियाज़ में भी ये इजीली जो है वो ग्रो कर जाता है। तो इसकी सनलाइट या शेड में रखने से कोई इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस ये है कि आपको थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है कि शेडी एरिया में है तो इसको पानी कितना देना है, और अगर गर्मी में रखा हुआ है या सनलाइट में रखा हुआ है तो पानी अगर इसका सूख जाता है तो आपको किस टाइम पे पानी देना है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन इसकी कब करनी है, समर्स के में जो है इसकी प्रोपोगेशन की जाती है। कटिंग्स लगाइए आप इसकी, बस नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ी सी सैंड मिक्स करके आप इसकी कटिंग्स को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अब दूसरे लास्ट चीज़ जो है वो है इसका पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए। पॉट का साइज़ जो है वो आप किसी भी छोटे से लेकर बड़े पॉट में जो है आप इसको लगा सकते हैं, और ये हर तरह के पॉट में जो है इजीली ग्रो हो जाता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक सकुलेंट के बारे में, जेड प्लांट के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़, बाय।